नमस्कार, आप देख रहे हैं गिदानिश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। डंडई से संवाददाता बिंदु कुमार की रिपोर्ट। मुखिया ने हरी झंडी दिखाकर पैराडाइज पब्लिक स्कूल डंडई के छात्र छात्राओं को शैक्षणिक भ्रमण हेतु किया रवाना। डंडई बाजार समिति स्थित पैराडाइज पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं को शुक्रवार को शैक्षणिक भ्रमण हेतु सासाराम के लिए डंडई पंचायत के मुखिया फुलवंती देवी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान भाजयुमो मंडल अध्यक्ष अलख निरंजन प्रसाद, अनुसूचित जाति मोर्चा के मंडल अध्यक्ष दिलवर कुमार रवि, विधायक प्रतिनिधि सह मुख्य प्रतिनिधि दिनेश राम, राम सागर राम, दयानंद प्रसाद गुप्ता, विद्यालय के निदेशक सिकंदर प्रजापति, प्राचार्य आर के विश्वकर्मा, उप प्राचार्य बी के भारती सहित अन्य लोग उपस्थित थे। मौके पर विधायक प्रतिनिधि सह मुख्य प्रतिनिधि दिनेश राम ने कहा कि स्कूल की तरफ से स्कूली बच्चों को प्रत्येक वर्ष ऐतिहासिक स्थलों व पर्यटन स्थल तक तथा प्राकृतिक दृश्यों का भ्रमण कराने से शैक्षणिक विकास होता है। वहीं भाजयुमो अध्यक्ष अलख निरंजन प्रसाद ने कहा कि निजी जैसे विद्यालयों में भी शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम चलाना मील का पत्थर साबित हो रहा है। मौके पर विद्यालय के निदेशक सिकंदर प्रजापति ने कहा कि बच्चों को शैक्षणिक भ्रमण के साथ साथ विद्यालय की ओर से विभिन्न तरह के प्रतियोगिताएं सहित विभिन्न गतिविधि समय समय पर करवाई जाती है ताकि उन्हें हर तरह से ज्ञान में वृद्धि हो। उन्होंने कहा कि बच्चों को बिहार के सासाराम स्थित शेरशाह सूरी का मकबरा, तूतला भवानी वाटरफॉल, धुआं कुंड, मंझार कुंड, इंद्रपुरी डैम, तारा चंडी धार्मिक स्थल सहित कई ऐतिहासिक धरोहरों का शैक्षणिक भ्रमण कराया जाएगा। इस मौके पर विद्यालय के शिक्षिका आशा कुमारी, अन्नपूर्णा कुमारी, प्रियंका कुमारी, शिक्षक कमलेश चौधरी, अर्चना कुमारी, रीना कुमारी सहित छात्र छात्राएं उपस्थित थी। धन्यवाद। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, आयुष्मान भारत, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मुफ्त इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। लाल और पीला राशन कार्ड के हकदार होंगे। आयुष्मान योजना के हकदार प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का प्रतिवर्ष मुफ्त स्वास्थ्य लाभ। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, नवादा मोड़, दुर्गा मंडप के सामने, गढ़वा, झारखंड।